सिकंदर शाह आलम मार्केट्स के ताजरों ने हुकूमत से दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजर कहते हैं कि करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का खदशा है। अंजुमन ताजरान शाह आलम मार्केट्स बोर्ड लाहौर का इजलास हुआ। हाजी हनीफ की ज़ेरे सदारत मुनक्किदा इजलास में ताजर बोर्ड के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शाह आलम मार्केट को फौरी तौर पर खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि गोदामों में करोड़ों रुपए का ऐसा सामान मौजूद है जिसके खराब होने का खदशा है, जिनमें फ्रूट्स, चॉकलेट्स, केचप, पनीर, मशरूबात, दूध, बिस्किट, मशरूम समेत दीगर अशिया शामिल है, जबकि इन चीजों की कंपनियों को वापसी भी मुमकिन नहीं है। शाह आलम मार्केट्स के ताजिरों ने हुकूमत के साथ मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि दुकानें खोलने की सूरत में हुकूमती एसओपी पर पूरे तरीके से अमल दरामद किया जाएगा।